कि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के अंदर इतने टुकड़े होंगे कि उन टुकड़ों को चुनना भाजपा नेताओं के बस की बात नहीं होगी। बूटों से रौंदा गया था रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को, वो दिन कैसे भूल सकता है। व्यक्ति जा सकता है लेकिन आवाम नहीं, वो दर्द आज भी उनके सीने में है। भारतीय जनता पार्टी परिणाम से भयभीत है, वो जानती है कि परिणाम आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले हैं। जमानत बचे या ना बचेगा उसके लिए वो कसरत कर रहे हैं। भाजपा के मतदाताओं में निराशा है, जहाँ जहाँ निराशा है वहाँ वहाँ बूथों पर थोड़ा कम है, जहाँ उत्साह है जबरदस्त है। तो आप देखिए गोपालगंज में बहुयात बूथों पर उत्साह है, और जो भाजपा समर्थित कुछ इधर उधर जो दिखते हैं टुकड़ों में वहाँ थोड़ा उदासी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज दो जगहों पर उपचुनाव जो हो रहे हैं उसकी वोटिंग हो रही है। अभी मैं सुबह में आपको चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से वहां पर दिखाई कि किस तरह से यहां पे कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, क्या इसकी भूमिका है। और अभी मैं आरजेडी के कंट्रोल रूम में हूं और यहां पर भी चुनाव के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, आप देख ही सकते हैं कि जो भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े लोग यहां पे हैं, जो यहां पे मौजूद हैं। श्याम रजक की बात करें तो वो भी यहां मौजूद हैं, शक्ति यादव जी यहां पे मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के रूम बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम, ये जो आरजेडी के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं चुनाव के लिए, आखिर इसके बनाने का पर्पस क्या है? देखिए, कंट्रोल रूम सूचना संग्रह करती है। कोई भी अगर शिकायतें किसी बूथ से आ रहे हैं तो चुनाव आयोग इन चीज़ों को देखे, इसकी सूचना हम लोग देते हैं। जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनको सूचना दी जाती है किस तरह की शिकायतें हैं, उस शिकायतों की पड़ताल करें। और फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन है, जो कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन का, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम चाहते हैं कि फेयर हो और फ्री हो, मतदाता भयमुक्त मतदान करें, क्योंकि पूरे मतदाता इस देश के भाजपा से उब चुकी है। भाजपा मुक्त भारत की ओर बढ़ता कदम आने वाले 24 में मील का पत्थर साबित होगा, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी परिणाम से भयभीत है, वो जानती है कि परिणाम आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले हैं। जमानत बचे या ना बचेगा उसके लिए वो कसरत कर रहे हैं। मैं आपको पुनः कह देता हूं कि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के अंदर इतने टुकड़े होंगे कि उन टुकड़ों को चुनना भाजपा नेताओं के बस की बात नहीं होगी। तो स्वाभाविक तौर पर इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, और यही कारण है कि भाजपा के जो यहाँ जो नेता हैं बिहार में, एक भी नेता है कोई बताइए, नाम बताइए जिनके पास 1000 वोट की क्षमता हो, एक नेता का नाम बता दे कोई जिनके कहने पर 1000 वोट कोई ट्रांसफर करने की ताकत है, जिनके नाम पर ये परजीवी नेता यहाँ काम करते हैं भाजपा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के दिन बलगने वाले हैं। अरे तो सब तो चीज़ें आप चिराग पासवान जी की चर्चा कर दिए, वो मनहूस सामे आज तक देश की जनता नहीं भूली है, कभी नहीं भूल सकते। जब बूटों से रौंदा गया था रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को, वो दिन कैसे भूल सकता है। व्यक्ति जा सकता है लेकिन आवाम नहीं, वो दर्द आज भी उनके सीने में है कि रामविलास पासवान जी को अंतिम क्षण में जो बूटों से रौंदा था उनकी प्रतिमा को, घर से बेघर किया था, वो दर्द कैसे भूल सकता है दलित वर्ग, कभी नहीं भूल सकता है। बोला कि कंट्रोल रूम बनाया गया है कि कोई सूचना अगर आती है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, तो क्या अभी तक कोई इस तरह की सूचना आई है आपके पास? जो भी छुटपुट सूचनाएं आती, देखिए बिहार की सरकार कमिटेड है फिर फिर इलेक्शन कराने के लिए, फिर भी अगर शरारती तत्व कहीं कोई इस तरह की मंशा प्रकट करते हैं और उसकी सूचना जब आती है तो स्वाभाविक तौर पर इलेक्शन कमीशन इसके लिए काम करने के लिए है, तो हम लोग सूचना देते हैं, उन तक जाता है। एक चीज़ और मुझे जानना था कि मोकामा में अभी तीव्र गति से वोटिंग चल रही है, गोपालगंज में थोड़ा सा धीमा है, मतलब ऐसा माना भी जाता है कि लोग को कुछ बदलाव अगर चाहने होता है तो फिर इस तरह से तीव्र गति से होती है, क्या बदलाव होगा? भाजपा के मतदाताओं में निराशा है, जहाँ जहाँ निराशा है वहाँ वहाँ बूथों पर थोड़ा कम है, जहाँ उत्साह है जबरदस्त है। तो आप देखिए गोपालगंज में बहुयात बूथों पर उत्साह है, और जो भाजपा समर्थित कुछ इधर उधर जो दिखते हैं टुकड़ों में वहाँ थोड़ा उदासी है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। धन्यवाद। तो शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की जमानत भी जब्त हो जाएगी, हालांकि
छः तारीख को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसका जमानत जब्त होता है, किसके फेवर में कितना वोट आया। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।